दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस टाइम पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है, और वो नोटिफिकेशन आपका है जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि GRF 2020 के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सारी डिटेल GRF 2020 जो कि आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया ICMR द्वारा। सबसे पहले जो इसमें नंबर ऑफ फेलोशिप्स होने वाली हैं वो आपकी हैं 150, और 150 में से 120 फेलोशिप्स आपकी होंगी बायोमेडिकल साइंसेस के फील्ड में, और वहीं बची भी आपकी जो 30 फेलोशिप्स हैं वो आपकी होंगी सोशल साइंस के फील्ड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में और जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास MSc या फिर MA या उसके बराबर की आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो भी 55% मार्क्स के साथ अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए परसेंटेज रिड्यूस होके हो जाता है सिर्फ 50%। लेकिन आपके पास जो MA MSc या उसके बराबर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो किन सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, चलिए मैं आपको सब्जेक्ट्स भी बता देता हूँ। तो बायोमेडिकल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके होने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इसके अलावा नर्सिंग, जूलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेस और वेटरिनरी मेडिसिन। इसमें जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे वो आपका है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सॉइल साइंसेज और इससे रिलेटेड आपके सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स की तो वो आपका होगा साइकोलॉजी, इसके अलावा सोशियोलॉजी, इसके अलावा होम साइंस, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इसमें कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा एज अ सब्जेक्ट। तो ये थे आपके सब्जेक्ट जिनमें से किसी एक में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए GRF के एक एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अगर हम अब बात करें एज लिमिट की तो अपर एज लिमिट इसमें है 28 साल, और 28 साल आपकी उम्र काउंट की जाएगी 30/9/2020 को। लेकिन अगर आप SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। वहीं अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 3 साल का इसमें अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर हम अब बात करें कि किन किन शहरों में ये एग्जाम का सेंटर है तो शहर आपके हैं बेंगलुरु, उसके अलावा भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, NCR, गुवाहाटी, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर और उसके अलावा वाराणसी। इसके अलावा जो अभी डेट आई है एग्जामिनेशन की वो आपकी है 12 जुलाई 2020 जो कि उस दिन आपका है संडे। अलावा अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें सिर्फ एक पेपर होगा जो कि आपका 2 घंटे का होगा, और पेपर में आपके होने वाले हैं 2 सेक्शन। जो सेक्शन ए आपका होगा वो होगा आपका एप्टीट्यूड सेक्शन जिसमें कि होंगे 50 सवाल, और सवाल आपके आएंगे साइंटिफिक फिनोमिनन इन एवरीडे लाइफ, इसके अलावा जर्नल नॉलेज इन साइंसेज, और तीसरा जो इसमें पार्ट होगा वो आपका होगा कॉमन स्टैटिस्टिक्स का। इसका दूसरा इसमें सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन B और C, क्योंकि आपको बी या सी में एक सेक्शन अटेम्प्ट करना है। बी सेक्शन होगा आपका लाइफ साइंसेस का, वहीं सी सेक्शन आपका होगा सोशल साइंस का, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं वो दोनों में 100-100 होंगे, यानी कि आप 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे सेक्शन ए के, और बी के भी 100 क्वेश्चन होंगे और सी के भी, तो उनमें से आपको एक सेक्शन अटेम्प्ट करना है। के अलावा जो हर सवाल है उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और आप उसे करेक्ट करते हैं, इनकरेक्ट के लिए 0.25 यानी कि 1/4 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका टेस्ट होना है वो सिर्फ आपका अंग्रेजी भाषा यानी कि सिर्फ इंग्लिश में होगा। और अगर हम अब बात करें फीस की तो 1500 रुपये फीस होने वाली है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 1500 फीस प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, वहीं SC ST कैंडिडेट्स के लिए फीस होने वाली है 1200 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए इस GRF में किसी भी तरह की फीस नहीं है। और जो एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन भरेंगे उसकी जो डेट है वो पहले जो डेट थी वो आपकी थी
27 अप्रैल 2020, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अब उसे चेंज कर दिया गया है। तो जो नई डेट आई है वो आपकी होने वाली है 16 मई 2020, यानी कि 16/5/2020, और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट आपकी है वो होगी आपकी 16 जून 2020, यानी कि 16/6/2020। तो दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल लिंक दिया आईसीएमआर का, आईसीएमआर के उस पेज का जिसमें जीआरएफ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी कि उसमें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप उसमें प्रीवियस ईयर के रिजल्ट भी देख सकेंगे। इसके अलावा आप वहां से काफी सारे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको सबमिट करने होंगे जीआरएफ क्लियर करने के बाद, और इसी के साथ साथ आप उसमें स्पेसिमेन पेपर भी देख सकते हैं जीआरएफ के बारे में। और इसी के साथ साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि देश और पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि ज्यादा से ज्यादा समय घर पर ही रहें, और अगर आपको काम से बाहर जाना पड़े तो अपने मुंह और नाक को आप मास्क से ढक कर रखिए, और इसी के साथ साथ अपने हाथों को बार बार धोते रहिए, यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है और इसी के साथ साथ लॉकडाउन के नियमों का भी। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो लगा है अच्छा तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस। और इसी के साथ साथ अगर आप यूज करते हैं फेसबुक तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे फेसबुक पर भी। फेसबुक पर मेरा पेज का जो पेज की जो आईडी है वो आपकी है जॉब एक्सप्रेस 1। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।